साहब थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके बारे में कौसर जी आपको भी जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और ये मैं तकल्लुफ के लिए नहीं कह रहा जो चीजें कौसर जी ने लिखी पल पल खुशियां गिनने की एक घड़ी चाहिए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी चाहिए जो उन्होंने चीजें जो लिखी है उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित की है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कौसर जी टू वर्क विद यू Now it's on record. मैं एक चीज और दिल था उन्हें मनाना और आपको 18 साल क्यों लगे एक फिल्म दोबारा फिर से एक जवाब में दे दूं जैसे ये जवाब तो आप पहले दे चुके हैं हम सब दे चुके हैं जब रेवती मैम आपको फोन करती है और कुछ पूछती है तो कोई ना नहीं कर सकता है वो जवाब तो पहला हो ही गया आपका बाकी 18 साल बाद क्यों आए वो मैं भी जानना चाहती हूँ में देखेगा आपको एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन क्या था जब मैं आई थिंक पहले 5-10 मिनट के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस वो सब चल रहा था पहले 5-10 मिनट के लिए उसके बाद ठीक था फिर उसके बाद नॉन स्टॉप उन्होंने बात की Then I think it was just really, really nice. Of course, हम मिल चुके हैं बीच में भी और जानते हैं एक दूसरे के हाल चाल या जो भी हो रहा है एक दूसरे की जिंदगी में बट आई थिंक काम करते वक्त हाँ 30 साल बाद काम कर रहे हैं तो इट वाज लवली वर्किंग विद यू कहानी बताना नहीं चाहते हैं आप इंतज़ार कीजिए दिसंबर 9th को और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली देखा हमारे से बोलवा दिया ये डायलॉग सबके साथ आप फिल्म देखिए थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर द फाइनल फोटो अप हियर क्रू ऑफ दिस मूवी सलाम वेंकी लेडीज एंड जेंटलमैन Come on, give them a big round of applause and make some noise for them, yeah, for this beautiful film. Adhik jankari ke liye 9 December nazdiki cinema ghar mein jaye, huh? Chad sakte hain aap? That's what I was about to tell you. Come forward. This time, no? Ji, bataiyega.